बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जा रहे हैं वादिय लीपा अपने दोस्तों के साथ। हमारे एक दोस्त हमारो हसन अवान साहब ने हमें अपने घर वहाँ पे दावत पे इनवाइट किया हुआ है, तो हम वहाँ पे जाएंगे, उनसे मिलेंगे और साथ साथ आपको वादिय लीपा की खूबसूरती भी दिखाएंगे। तो चलिए। रात के तकरीबन 9:30 बज रहे हैं और अभी हम लोग जो है लीपा पहुंचे। 5 घंटे की मुसाफिर के बाद हम लोग एशिया से लीपा पहुंचे। ठंड की शिद्दत का अंदाजा आपको और होगा, तो इनशा अभी हम लोग पहुंचे। आपको भी लीपा का व्यू दिखा नहीं सके, लेकिन इनशाला सुबह आपको पूरी लीपा वादी वैली दिखाएंगे। तो अभी तो सारे बाप बड़े थके हुए हैं, तो हम भी आराम करेंगे कुछ खा पी के, तो इनशाला सुबह आपसे मुलाकात होगी। तब तक हेलो, उठो जी। ये देखें जी, इस वक्त दिन के एक बज चुका है और ये अभी ऐसे सोए हुए हैं। न करो जी। नफी साहब उठो जी, साइड दो जी, उठो जी, उठो जी, उठो। क्या टाइम हो गया? तो अभी हम लोग उठे। सुबह सुबह मैं आपको बाहर का मौसम दिखाता हूँ। ये बारिश, हल्की हल्की बारिश है, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा है। ग्यारह बज के 44 मिनट हो गए और अभी हम नाश्ता करने लगे। अच्छा, बिल्कुल नाश्ते के बाद हमारा ये प्रोग्राम है कि हमने बकरा लाया हुआ है, उसको अपने काटना है और अपने रात के खाने का बंदोबस्त करना है, क्योंकि अभी हम आपको वादिय लीपा की सैर करवा नहीं पा रहे, क्योंकि मौसम साफ नहीं है, बारिश हो रही है मुसलसल। जो ही मौसम साफ होगा हम आपको वादिय लीपा की सैर भी करवाएंगे। तब तक हम नाश्ता कर लें। अच्छा, अभी तकरीबन दिन के 3 बजे और बारिश थोड़ी सी रुकी है, तो हमने अभी हम आपको वादिय लीपा का व्यू तो दिखा नहीं सकते, लीपा की हम आपको खूबसूरती तो नहीं दिखा सकते क्योंकि बारिश लगी हुई है। तो अभी हमने सोचा क्यों ना हम लोग हमारा जो प्लान था बारबेक्यू पार्टी करने का मटन, तो अभी हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो बस तो ये थोड़ी देर में ये बकरा मार लिए इसको, जैसे हम उसके बाद आपको जो भी बारिश रुकती है हम आपको वादिय लीपा की सैर करवाएंगे। तो अभी हम पहले ये काम कर लें, क्योंकि हमने अपने लिए भी खाने पीने का बंदोबस्त करना है। चलिए, आप भी देखिए और इन्जॉय कीजिए, हम भी ज़रा ऐसे पकड़ लें। कश्मीरी कबाब, यहाँ पे लीपा की स्पेशल डिश है, इसे हम लोग किसी आयल पे नहीं, जो हमने गोश्त भुना उसका हमने गोश्त जो हमने साफ ही निकाला उसका हमने कीमा किया है। हमारे यहाँ ये जो लंगरी आप देख रहे हैं इसमें इसको हमने कुटा है, कुटने का मतलब समझे आप,
जैसे आप हमने यहाँ पे ग्राइंड करते हैं, हमने इसको इसमें पीसा है। उसके बाद अभी हम इसके कबाब बना रही है। कबाब सिर्फ और सिर्फ दम पे पकते हैं, इनमें कोई आयल कोई चीज यूज नहीं हो रही। सिर्फ हमने जो हमारे फ्राई पैन है उसको रख के दम पे इसको पका रहे हैं। तो आप देखें जिस तरह हम आपका वहाँ पे कश्मीरी मटन, मतलब नाम क्या है जिस डिश का जो आप बना रहे हैं? ये कश्मीरी मटन है जी, वो हम बना रहे हैं वो डिश। इस तरफ कबाब बन रहे हैं और अभी हमने सीखे रखे, इंशाल्लाह जब वो बनाएंगे आपको दिखाएंगे। फाइनली बारबेक्यू टाइम आ गया है जी। तो अभी हम लोग इस मटन की सीख लगा रहे हैं, बड़ी शानदार होंगी इंशाल्लाह, नज़र तो ऐसी ही आ रही है। तो मैं बताऊँ आपको कि इन मटन टिक्कों की कोई रेसिपी नहीं है। सिर्फ हमने जब आप मटन काटते हैं उसको हमने नमक लगा के थोड़ी देर के लिए मैरिनेट कर दिया है, जब तक 2-3-4 घंटे। उसके बाद अभी हमने इनको बनाना स्टार्ट किया है। इस पे हम सिर्फ अभी या थोड़ा सा और नमक लगाएंगे, क्योंकि नमक उस थोड़ा कम लगा होता है और दाइल लाजवाब टिक्के होंगे जी, बेहतरीन जायका। दोस्त अब आप मेरे जितने भी हैं, अभी ठंड की शिद्दत ज़्यादा है, बाहर नहीं आ रहे, लेकिन जो ही ज़रा टिक्के तैयार होंगे फिर वो दौड़े चले आएंगे। तो आप भी इंजॉय कीजिए, हमने तो मटन को खाना ही खाना है। सो मिलते हैं। सुबह के 11 बज रहे, आज मौसम भी बिल्कुल साफ है, तो आज हम आपको वादिया लीपा की सैर करवाएंगे। अच्छा, ये वादिया लीपा के नेचुरल चीजें दिखाएंगे, स्प्रिंग वाटर चश्मे जो है ना, ये तो चश्मे हैं नेचुरली। यहाँ पे हर दूसरे तीसरे मकान के बाद ये चश्मे हैं, लोग जो है बिल्कुल साफ पीने का पानी यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, ये चश्मे का पानी है। यहाँ से ये ज़मीन के अंदर आपको गायब होता हुआ ज़ेर ज़मीन चला जाता है। तो ये इस तरह पूरी वैली में ऐसे ही है बिल्कुल। ये मकान आप देख सकते हैं टोटली लकड़ी के बने हुए, क्योंकि अभी तो बर्फ़ नहीं है, लेकिन उसके बाद बर्फ स्टार्ट हो जाती है। तो
सोनी सोनी लगती हैं ये वादियाँ, सोनी सोनी लगती हैं ये वादियाँ, रो रही हैं हुस्न की शहजादियाँ, रो रही हैं हुस्न की शहजादियाँ। मर ही जाएंगे गमे फुरकत में हम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। मी वतन दहकाने ओष्टिंग टुम नजेर, मी वतन दहकाने तुम नजे, मी वतन जन्नत जुवन मेर दिस मना, मी वतन दे।